भाई अगर भाई एससीओ में एस हट के दिल्ली ना बन जाए, एन लग जाए, न्यू दिल्ली है दिल्ली ना बन जाए। और लगभग आज आप वो चीज आपको होते हुए दिखी। वर्ल्ड मीडिया को देखिए, मैं अपनी मीडिया की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान की बात भी नहीं कर रहा, मैं वर्ल्ड मीडिया देखिए सेंटर स्टेज का है मोदी जी। वेस्ट किसको देख रहा है? मोदी जी को। अमेरिका हो, सारे यूरोपियन यूनियन, सारे जो G20 वाले हैं, माइनस चाइना और रशिया, किसको देख रहे हैं? मोदी जी को। मोदी शहबाज शरीफ ने दो बातें उस मीटिंग में कही। फर्स्ट बात उन्होंने कही, हम पे बाढ़ आई है दुनिया से, मैं मदद मांगता हूँ, हमारी मदद की जाए। सेकेंड उन्होंने बात कही कि मैं मानता हूँ, मैं तस्लीम करता हूँ कि पाकिस्तान से टेररिस्ट जाते हैं। जब तक पहले था शी जिनपिंग आएंगे नहीं आएंगे आएंगे नहीं आएंगे, मोदी जी ने एक बार बोल दिया मैं जा रहा हूँ इन पर्सन। उसके कुछ दिन बाद चाइना कहता है शी जिनपिंग विल गो इन पर्सन। क्या हम बेकारी हैं? ठीक है, अगर हम एक तरफ जो ना आज़ाद कौम की तरह जो हैसियत से रहना चाहते हैं, तो ये बात उसने पहले की और पूरी जो ना कंट्री के लोगों ने इसके ऊपर डिबेट की कि यार ये हमारा प्राइम मिनिस्टर ये कैसी बातें कर रहा है। ठीक, चाइना के लिए खाली मैदान थोड़ी ना सोच सकते कि वो वर्ल्ड स्टेज डोमिनेट करे। जहाँ चाइना होगा हमें वहाँ रहना पड़ेगा और हम वहाँ रहेंगे। शहबाज शरीफ ने दो बातें उस मीटिंग में कही। फर्स्ट बात उन्होंने कही, हम पे बाढ़ आई है दुनिया से, मैं मदद मांगता हूँ, हमारी मदद की जाए। सेकेंड उन्होंने बात कही कि मैं मानता हूं, मैं तस्लीम करता हूं कि पाकिस्तान से टेररिस्ट जाते हैं। इस बात को मैं ख़त्म करना चाहता हूं, इस टेररिज्म को मैं ख़त्म करना चाहता हूं, दुनिया से अपील करता हूं, इसमें मेरी मदद की जाए। पाकिस्तान की इन दो बातों के बाद क्या इमेज रहेगी दुनिया हम पर? नमस्कार दोस्तों, भारत अगले साल SCO समिट की मेज़बानी करेगा। इसके लिए चीन समेत कई देशों ने उसे इसके लिए बधाई भी दी है, मगर पाकिस्तान ने फिलहाल इससे किनारा कर लिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि भारत अगले साल SCO समिट की अध्यक्षता करेगा। पाकिस्तान इस सम्मेलन में शामिल होगा या नहीं होगा, इस पर अभी फैसला नहीं लिया गया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने आतंकवाद के मुद्दे पर भी बात की। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान FATF की लिस्ट से बाहर हो जाएगा। विदेश मंत्री जरदारी ने कहा कि हम आतंकवाद से निपटना चाहते हैं। वहीं ट्रांजिट रेट के मुद्दे पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री जरदारी ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की PM और भारतीय प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर एक दूसरे से बात की है। जरदारी ने कहा कि इस सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी देश ट्रांजिट रेट चाहते हैं। पाकिस्तान में बाढ़ की स्थिति पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हमने भारत से मदद नहीं मांगी है, हम अपने लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत से लोग इंसानियत के नाते सहायता के लिए आगे आए। करीब 3 करोड़ 30 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। SCO शिखर सम्मेलन के दौरान PM मोदी ने कहा कि सदस्य देशों को एक दूसरे से ट्रांजिट का अधिकार देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान इशारों में पाकिस्तान की बेइज्जती भी कर डाली। इस सम्मेलन में PM मोदी ने विकास की बात करी, जबकि पाकिस्तान की PM शहबाज शरीफ ने आतंकवाद का रोना रोया और वहाँ भी पैसे मांगने से बाज नहीं आए। SCO समिट में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ SCO के सभी सदस्यों से कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद से पीड़ित है। उन्होंने कहा कि आज भी अगर आप राह चलते किसी पाकिस्तान से मिलेंगे तो पाएंगे कि वो आतंकवाद से पीड़ित है। आतंकवाद को हराने के लिए हजारों पाकिस्तानियों ने कुर्बानी भी दी है। वहीं उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में शांति जरूरी है। शाहबाज ने कहा कि पाकिस्तान को अनदेखा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि एक देश में आर्थिक स्थिरता जरूरी है। वहीं पर उन्होंने बीच में ये कबूल भी कर लिया कि वो भारत में आतंकवाद भेजते हैं। इसी को लेके पाकिस्तानी मीडिया अब रो रहा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान की बाहर जाके भी बेइज्जती करा दी है। पाकिस्तान के लिए पूरी दुनिया में एक मजाक बन के रह गया है। पाकिस्तान के लिए एक बात बोली जा रही है, शेम ऑन पाकिस्तान और पाकिस्तानीज। पाकिस्तान की इज्जत को खराब करने वाला और कोई नहीं बल्कि हमारे वन एंड ओनली लीडर शहबाज शरीफ हैं, जिन्होंने SCO मीटिंग में बहुत बड़ी दो बातें कही। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो जब खड़े हुए पोर्टिन के सामने, उनकी टांगें कांपने लगी। सेकेंड, उनके जो हेडफोन है वो नहीं लगे, तो हमारे ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर ने उनके हेडफोन लगाए। इस बात को लेकर पूरी दुनिया ने हम पे मजाक बनाया, हमारे लीडर पे मजाक बनाया और मीम्स भी बहुत ज्यादा बनी रही। मैं मानता हूँ कि ये कमी बहुत हमने देखी है शहबाज शरीफ में। जब वो गए वहाँ पे तो यू नो he was behaving like उसका जो एटीट्यूड था वो एक लीडर की तरह नहीं था। तो इस वजह से वो जो कॉन्फिडेंस थी उसकी वो भी इस तरह नहीं थी। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि रिप्रेजेंटेशन की, हम टेररिस्ट ये मैं मानता हूँ अप टू सम लिमिट वी कैन से दैट यस, ये बात सही है, लेकिन इंटरनेशनल फोरम पे ये बात करना मेरे ख्याल से ये एक लगता है पाकिस्तानी टेररिस्ट है जी। को लगता है पाकिस्तानी टेररिस्ट नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि हमारे शहबाज शरीफ ने क्यों कहा कि मैं तस्लीम करता हूँ पाकिस्तानी से टेररिस्ट जाते हैं। नो, ये तो मैंने पहले भी बताया कि लीडरशिप क्वालिटीज में उसमें नहीं है। तो जब लीडरशिप क्वालिटीज नहीं हो किसी में, तो वो तो फिर जो भी कहे उससे तो वो पता नहीं चलता कि मैं क्या। शहबाज शरीफ इतनी देर से हुकूमत संभाले हैं, उनको तो इंग्लिश में बात नहीं करनी आती। तो हर बात वो लीडरशिप स्किल पे क्या होता है, ख़त्म हो जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे प्राइम मिनिस्टर को ये बात नहीं कहनी चाहिए थी कि पाकिस्तान से जना टेररिस्ट जाते हैं। तो ऑब्वियसली बात है हमारा पहले इमेज जो है ना वो इतना ख़ास नहीं है, ठीक है। इसकी रीज़न ये है कि जो चाइना के साथ हमारा अच्छा रिलेशन है, ठीक है, अगर हम ये बात करते हैं तो ऑल ओवर द वर्ल्ड ये बात जाती है और ऑब्वियसली बात है वहाँ पे क्या इम्पैक्ट रहेगा कि ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमारे अपने ही जो कंट्री के लोग हैं वो टेररिस्ट हैं और वो बाहर जाके जाना वो तमाम जाना वो दहशतगर्दी करते हैं, ठीक है, टेररिज्म करते हैं। अगर ये बात करते हैं, ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी कंट्री जाना हमारे साथ अच्छे रिलेशन कायम करेगा। मजीद अगर हमारा चाइना के साथ है तो वो भी ख़राब हो सकता है, ठीक है। पूरी कौम की इज्जत दिलाने के बजाय वो आवाम के लिए जो है ना जिल्लत का बाइस बन रहे हैं। इवन कि आप देखें कि अगर हमारी कोई बाहर की टीम भी आ रही है तो उधर भी उसके ऊपर भी नीचे कमेंट्स में ये लिखा हुआ आ रहा है इन कमेंट्स के बाद टेररिस्ट के अटैक के बाद कि अल्लाह करें ये लोग सलामत से वापस आ जाएं। तो मतलब कि उन्होंने अपने पहले खुद बेइज्जती करते हैं और दुनिया से कहते हैं कि हमारी इज्जत को बात की जो है मीम्स इतनी बन चुके हैं, इतना ज़्यादा सबने कहा है शेम ऑन पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान की इमेज इतनी डाउन हो गई है। इवन आपको पता है कि इस टाइम चाइना हो जाए रशिया हो जाए कोई भी कंट्री है ना वो सिर्फ इंडिया के साथ ट्रेड करना चाह रहा है, पाकिस्तान को कोई भी नहीं देख रहा। चाइना ने एक मुहिम चलाई जिसमें नो मनी नो हेल्प का एक वो चला ट्रेंड के पाकिस्तान को उसने कहा कि आप पैसे नहीं दोगे तो हम आपकी मदद नहीं करेंगे। टर्की जो कि एक मुस्लिम कंट्री है उसमें आ गया कि गेट लॉस्ट पाकिस्तान, एक दफ़ा नहीं 3 दफ़ा, फिर उसमें आया यूके में आया ब्रिटेन में आया, मतलब कि काफ़ी मुल्कों में ये गेट लॉस्ट पाकिस्तान इसका आ गया कि पाकिस्तान की तो इमेज पहले ही डाउन हो रही है। आपको क्या लगता है शहबाज शरीफ ने एक बात और कर दी जिससे पाकिस्तान की इमेज बहुत ज़्यादा डाउन होगी पूरी दुनिया में और दुनिया हम पे हंस रही है इस टाइम। इसके बाद जो क्राइसिस हमारे पे है उसमें आपको लगता है कि ट्रेड तो ऑलरेडी हमारी बहुत कम हो रही है किसी भी मुल्क से, क्या हमें इमदाद दी जाएगी? मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी जाना वो हमें इस चीज़ के बाद कुछ करेगा। देखें मैं लिटरली अगर आपको बात हूँ तो मैं प्राइम मिनिस्टर जो हमारा है शहबाज शरीफ मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। उसकी रीज़न क्या है कि इसने पहले भी बात की है कि वी आर बैगर्स, ठीक है, कि यार क्या हम बेकारी हैं, ठीक है। अगर हम एक तरफ जो ना आज़ाद कौम की तरफ जो हैसियत से रहना चाहते हैं तो ये बात उसने पहले की और पूरी जो ना कंट्री के लोगों ने इसके ऊपर डिबेट की कि यार ये हमारा प्राइम मिनिस्टर ये कैसी बातें कर रहा है, ठीक है। और देन जो ना वो यही रीज़न है कि यार जो इमरान खान है, ठीक है, हम जो ना उससे प्यार करते हैं। उसकी रीज़न क्या है कि वो जो बात करता है, ठीक है, वो तमाम की जो ना हक राय को सामने रखते करता है। शहबाज शरीफ का कहना था कि मैं आपके पास आया हूँ, नहीं मैं आपके पास आया हूँ लेकिन आपसे मदद मांगने नहीं आया, आपसे भीख मांगने नहीं आया, नहीं हम भिखारी नहीं है, हम लोगों को सिर्फ इमदाद चाहिए, हमारे मजबूरी है, हमारी मजबूरी हमसे मांगना वरना हम भिखारी नहीं है। ये बात आपको लगता है कि हमारी दुनिया में जो रेपुटेशन थोड़ी बहुत बची है उसके बाद भी हमारी कोई इज्जत रह सकती है? देखें इतनी भी क्या मजबूरी रह गई है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर अगर जना इस हद तक गिर जाए कि हम जना वो मजबूर हो गए हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर मजबूर हो गए तो हमारी आम पब्लिक को किसने सपोर्ट करना है, ठीक है। तो ये रीज़न है कि आज इस बात के बाद जो हमारे जो बाहर के जो कंट्रीज़ के जो हमारे दुश्मन ममालिक हैं उन्होंने जना वो मौका का फ़ायदा उठाया और जो अमेरिका है, ठीक है, अमेरिका ने इस पर बहुत ज़्यादा डिबेट की।